वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक जन विरोधी नीतियों से समाज का कमोवेश हर तबका निराशा का सामना कर रहा है। गरीब भुखमरी का शिकार हो रही है, सबका रोजगार छिन गया, किसान और नौजवानों के आगे अंधेरा छा रहा है। बेरोजगारी से नौजवान निराश, हताश व कुंठित होता जा रहा है। श्रमिक और व्यवसायी आत्महत्या करने पर मजबूर है, जिसके सापेक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के निर्देश अनुसार गांव-गांव, शहर-शहर चलकर राज्य सरकार के तानाशाही रवैये से जनता को जागरूक करने का काम कन्नाड़ी ग्राम रोहनिया विधानसभा में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री महेंद्र सिंह यादव जिला अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हुआ। वाराणसी से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अपना परिचय बता दें। महेंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनपद वाराणसी। महेंद्र जी, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन का पूरे प्रदेश व्यापी एक कार्यक्रम है, गांव गांव पांव पांव। जो किसान, जो कृषि नीति किसानों के विरोध में पारित हुई है, इस कृषि नीति का हम विरोध करने के लिए आज गांव गांव किसानों के पास जाएंगे और जगाएंगे और जागरूक करने का काम करेंगे। अपना परिचय बता दें। इस्माइल खान गुड्डू, महानगर अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। गुड्डू भैया, बात की जाए किसान बिल का, एक तरफ देखा जाए तो कुछ किसानों का समर्थन भी है और कुछ विरोध पे ही बैठे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो असली किसान है वो धरने में बैठे हुए हैं और जो मोदी द्वारा प्रायोजित किसान है उनको हायर करके ला करके इनके रूप में बैठाया गया है। ये मोदी के किसान है, अडानी और अंबानी के किसान है। अपना परिचय बता दें। अभिमन्यु सिंह, विधानसभा प्रभारी रोहनिया, जिला अध्यक्ष योजन सभा वाराणसी। अभिमन्यु जी, आज किस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसी पदयात्रा है, क्या उद्देश्य है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसान विरोधी जो बिल लाया गया है उसी के सापेक्ष हम लोग किसानों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है, किसान विरोधी बिल किसानों के हित में है या उनके अहित में है? किसानों के अहित में है। क्या मांग है आपकी? हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि जो भी ये बिल लाया है उसको तत्काल वापस करें। गॉड न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।